हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी 242 शेयर में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि राजपूत काल के जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे राजपूत काल की साहित्य और भाषा के बारे में। तो साहित्य और भाषा के बारे में राजपूत काल के देखने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजपूत कालीन साहित्य और भाषा। तो राजपूत कालीन साहित्य और भाषा देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम साहित्य और भाषा तो उन्नत थी, ये तो हम सबको मालूम है कि राजपूत काल की साहित्य और भाषा बहुत ही उन्नत थी और राजपूतों की साहित्य में बहुत ही रुचि थी। ये आप लोगों को मानना पड़ेगा कि राजपूत लोगों की जो है साहित्य में बहुत अधिक रुचि थी और वो लोग साहित्य में रुचि रखते थे। तो साहित्य में रुचि रखने वाले राजा हुए राजपूत काल के दौरान। अगली बात आती है, दरबार में कवि और विद्वान थे। जो राजपूत वंश के जो शासक हुए वो अपने दरबार में जो है कवियों और विद्वानों को रखना पसंद करते थे, या हम कहें वो अपने दरबार में विद्वान और कवियों को रखते थे। अगला आता है कि कलाकारों का सम्मान। जो राजपूत काल में कलाकारों को सम्मान दिया जाता था, वीर रस प्रधान कवि होते थे। इस काल में हमें ज्यादातर जो है वीर रस प्रधान कवि देखने को मिलते हैं, जो वीर रस में वो रचनाएं करते हैं। अगली बात आती है राजाओं की प्रशंसा। जो इस काल के ज्यादातर राजा होते हैं वो जो है राजाओं की प्रशंसा करते हमको मिलते हैं। तो इस काल के जो शासक होते हैं वो राजाओं की ज्यादातर प्रशंसा हमें उनके लेखों में मिलती है कि वो राजाओं की प्रशंसा करते हैं। और जो इस काल के जो जो रचनाकार हुए हैं या जो लेखक हुए हैं वो ज्योतिष में उनको ज्यादातर जो रुचि रही है, गणित में रुचि रही है और आयुर्वेद में उनको रुचि रही है। तो इस काल के साहित्यकार ज्योतिष, गणित और आयुर्वेद में जो है उनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो पहली रचना हमें इस काल की देखने को मिलती है, वह है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस है और ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है कि कल्लड़ की रचना का क्या नाम है। तो इनकी रचना का नाम है राजतरंगिणी। अगली आती है सोमदेव की रचना। सोमदेव लिखते हैं कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा रचित रचना है। और इसके बाद आते हैं बिल्हड़। बिल्हड़ के द्वारा रचित रचना है, उसका नाम है विक्रमांक देव चरित। बिल्हड़ लिखते हैं विक्रमांक देव चरित। बिल्हड़ के बाद आते हैं बल्लाल। बल्लाल की रचना है भोज प्रबंध। इसके बाद चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। राजशेखर। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। जयदेव। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। पतंजलि। पतंजलि की रचना है महाभाष्य। इसके अलावा जो और कुछ प्रमुख जो है साहित्यकार हैं उनकी रचना, कृष्णमित्र। कृष्णमित्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदय। भवभूत। भवभूत की रचना है उत्तर रामचरित। श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना है नैश चरित। भट्ट नारायण। भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहार। और इसके बाद जो अगले जो रचनाकार हुए हैं उनका नाम है वो है माघ। माघ की रचना है शिशुपाल वध। जो माघ की माघ ने जिसकी रचना की है उसका नाम है शिशुपाल वध। अगली बात आती है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ से हम शिक्षा के बारे में देखेंगे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और शिक्षा के केंद्र जो इसमें हिंदुओं के मंदिर जो थे वो शिक्षा के केंद्र थे। मठ जो है वो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध शिक्षा जो थी वह बौद्ध शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा के जो केंद्र थे इस समय जो राजपूत काल में वो थे नालंदा, काशी, विक्रमशिला और उज्जैन। तो ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ प्रमुख जो हैं रचनाएं भी और जो हैं, तो जो हमने ऊपर देखी थी उनको एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर ले रहे हैं। तो भट्ट की जो रचना है वह भट्ट का। श्रीहर्ष ने लिखी है नैश चरित। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। माघ की रचना है शिशुपाल वध। कृष्णमित्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदय और भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहार। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं रही राजपूत काल की। राजपूत काल के हमने शिक्षा और साहित्य के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर
अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है राजपूत काल या मौर्य काल या गुप्त काल से संबंधित, तो आप हमारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री में जाइए और फिर वहाँ से आपको हिस्ट्री में सभी वीडियो मिल जाएंगी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हैं, यानी कि गुप्त काल, मौर्य काल या सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव या उसके बाद के जो काल हर्षवर्धन काल, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।